नमस्ते दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, और ये मैं एक कॉम्प्लीमेंट की तरह कह रहा हूँ आपको, आप एक बहुत हॉट 50 something हो। आप बहुत हॉट दिखते हो। आपकी वाइब बहुत हॉट है। चलो, मेरी वाइफ हॉट है। वाइब हाउ हैव यू मेंटेन्ड योरसेल्फ? मतलब यूथ में आपने राइट स्टेप्स क्या लिए? क्योंकि अक्सर जब लोग 40 years के हो जाते, 50 years के हो जाते, बहुत ज़्यादा मतलब एजिंग फैक्टर्स आ जाते हैं उनके चेहरे पर। आप एंड यू लुक वेरी यंग, यू लुक द सेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई डोंट नो मैन, आई मीन आई डोंट, आई एम क्वाइट नॉट वेरी डिसिप्लिन। ओके, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट ईट टू मच ऑफ जंक, आई ईट रीजनेबल। ऐसा भी नहीं है कि मैं खाए बिरयानी खाऊंगा, दाल खाऊंगा, अपना चॉकलेट भी खा लूँगा, सो ऐसा नहीं है। बट आई डोंट नो, आई सपोज इट्स जेनेटिक्स इन अ वे। ओके, माई फादर वॉज ऑल्सो प्रीटी लकी, तो उनका भी कुछ आप देखें वो एज काफ़ी हद तक पता नहीं चलती थी। एंड वो हमारे कहते हैं काठी, विच इज़ योर बेसिक फ्रेम। सो दैट फ्रॉम माई फादर्स साइड एंड इवन माई मदर्स साइड, सो दे आर प्रीटी स्लिम एंड काइंड ऑफ ब्रॉडिश। सो आई थिंक जेनेटिक ही है। बाकी ठीक है, लाइक एज दैट मॉडरेट लाइफ स्टाइल, नॉट टू एक्स्ट्रावेगेंट। बट या आई स्लीप लेट, ओके, यू नो वो सब है। Okay. But I don't, maybe if you don't have alcohol and cigarettes, so that affects your face. Sir, मैंने आपका एक वीडियो देखा था मिजान के साथ, जहाँ आप दोनों डांस कर रहे थे। वो एक वायरल वीडियो बन गया था। उसकी फिल्म रिलीज हो रही थी, उसने कहा पापा, बाबा, बाबा बोलता है, बाबा एक मेरे साथ में एक प्रमोशन करना है। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप इतनी अच्छी डांसिंग कैसे कर लेते हो अभी भी? मतलब आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हाँ, मतलब ठीक है, मीडियम है, मतलब नॉट लाइक इट यूज्ड टू बी, बिकॉज आई हैव नॉट बीन इन टच। I'm just saying, मैं थोड़ा सुस्त हो जाता हूँ कभी। So it's that. So if you've been dancing through your life, वो कहीं touch तो रहता है ना, it doesn't go away. So क्योंकि मैं भी एक voice artist हूँ in a way, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये sexy आवाज के पीछे राज क्या है? आप कुछ training करते हो? हाँ, training करते हो आप? कुछ नहीं यार, कभी जिंदगी में कभी voice training की नहीं। Seriously? कभी नहीं, कुछ नहीं यार, मुझे पता भी नहीं क्या वो, कुछ नहीं, ऐसे ही जैसे ही है वैसी है। समझ के कुछ जो समझ गए, देख कर लोगों को, सुनकर लोगों को, मैनिपुलेट नहीं करता हूँ ना। बिकॉज देखो, अभी कई लोग मुझे बोलते हैं, और मेरे जब मैं फ़ोन पे बात करता हूँ तो आवाज़ बहुत अलग लगती है। लोग बोलते हैं अरे आपकी आवाज़ तो बहुत बेस है। और क्योंकि जब आप एक्ट करते हैं तो आप ये सोच के अगर एक्ट करें कि नहीं मुझे मेरा बेस को बरकरार रखना है, दैट्स बुलशिट। बिकॉज अगर आप बात करें नहीं यार क्या, नहीं यार क्या बात कर, वो तो जाएगा, बिकॉज वो एक्सप्रेशन है आपका ये। अगर मैं बोलूँ नहीं यार क्या कर रहा है, तो इट साउंड्स फेक। तो फॉर मी, मैंने एक्टिंग में कभी भी आवाज को, एक्सप्रेशन को ज्यादा उसको ध्यान और माने दिए हैं, बनिस्बत ये कि आपकी आवाज का बेस ना जाए। तो जहाँ जरूरत है वो आप इस्तेमाल करिए, पर एक्सप्रेशन खो जाते हैं उसमें कहीं ना। 50s में क्या होता है? When you hit your 50s, के दिमाग में क्या होने लगता है? Because I feel कि I didn't think about it. मैंने कभी सोचा ही नहीं। I'm going to be 60 now, man. But कैसे थे आपके 50s? Your body starts at making you realize that okay, you're getting older, you know. So उतना ही है। But I don't think कि वो एक सोच या फिक्र होती है कि मैं यार ये जा रही है, वही मेरा एक्स्ट्रा रिंकल आ गया, और ये मेरी झुर्री बढ़ गई, और मेरे बाल ग्रे हो गए। You got to take it in your stride. That's life. अब डेथ के बारे में सोचते हो? देखो यार, the only thing which is confirmed in life is death. So if you come to that conclusion कि वो तो है, कभी आएगा you don't know. If you start thinking about it, then you start wasting your life, because when it comes, and how prepared are you for it? Are you at peace? कि यार ठीक है, I lived a good life. I did decent things. हाँ, कुछ गलतियाँ की, I'm sorry for that, you know. But वो जो बोझ होता है ना गलतियों का, जो आपके कर्मा, वो कितना भारी होता है। जब आपकी डेथ आती है, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना टोकरा खाली हो उतना बेहतर है। So try and empty your basket as much as you can before you go. You don't know when you're going to go. How do you empty it? वो मतलब आप गुड कर्मा कैसे इकट्ठा कर सकते हो? Like I said, जो बुराइयां या गलतियां की हैं उसका सुधार करो। किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ कोई गलती की है, करेक्ट इट, अपोलोजाइज। इफ देयर इज सम मिस्टेक व्हिच कैन बी करेक्टेड, करेक्ट इट, यू नो। बट you have to go that way. You can't carry that load with you. That, and then obviously connect with your creator. पहचान देखो सबकी अलग होती है ना, किसी के लिए ये गलत है, किसी के लिए वो सही है. Let's for example, मैं कभी कभी बहुत पहले की आर्ग्यूमेंट होती थी कि अमेरिका में एक लड़का लड़की अपने माँ बाप के सामने गोद में बैठ के एक दूसरे को किस कर रहे हैं. हिंदुस्तान के कल्चर में वो नहीं करते, तो क्या वो गलत है या क्या ये सही है? वॉट इज राइट, वेयर इज द यार्ड स्टिक, सही गलत क्या है? सो यू नीड सर्टेन, यू नो, बिकॉज ह्यूमंस तो हैं तो सब सेम जी. यू सी अ हॉट चिक, यू गेट अराउज्ड, यू नो. यू सी अ चाइल्ड स्माइलिंग, यू स्माइल. यू सी समबडी पेन, आपके आंसू निकल आएंगे. तो दैट इज ह्यूमन ना, वो हर ह्यूमन का ऐसे ही होगा. हमने मैनिपुलेट कर करके कुछ चीज़ों को दबा दिया है, वो इमोशन दब गए, हम वी बिकम काइंड ऑफ ब्लैंक, इट डजंट अफेक्ट अस एनीमोर, यू नो. कि एक ज़माने में एक लड़की का हाथ देखकर आदमी एक्साइट होता था, अरे यार मैंने उसका आपके पाँव देखे बड़े हसीन हैं, और पाँव देख के वो यार इट गॉट टर्न्ड ऑन. सो द पॉइंट इज बिकॉज नहीं देखा, अब सब कुछ देख लिया, अब एक्साइट ही नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा उसको, सब कुछ तो देख लिया. अब क्या करें, चलो यार बच्चों के साथ भी दिखा दो, अब बच्चे जानवरों के साथ दिखा दो, अब कहाँ तक जाओगे जी. बन मुट्ठी लाख की खुल गई खाक की, वही प्रिंसिपल. दिस इज द ओल्ड सेइंग्स, यू नो, द मोर यू कीप इट कंटेन द मोर इट हैज एन इंटरेस्ट लेवल. अब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब कोई है ही नहीं, यू डोंट इवन फील एक्साइटेड. TRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल. नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया है एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा.